जब मैं एक बार स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था 2012 के अंदर, तो उस समय स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि सर जब आप जो है ना टेंशन बहुत कम लेते हो, आप बहुत कम सोचते हो, सोचने की बजाय ज़्यादा सोचने की बजाय आप अपने जो भी आपके इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हो, उनको कर डालते हो। आप कोई भी समस्या होती है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और उसका सॉल्यूशन या समाधान होता है वो निकाल देते हैं। तब मैंने उनसे कहा था जो मैंने कहीं से सीखा, किसी यूनिवर्सिटी में एक जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को अपने ही इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने दोहराया। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ये जो मोबाइल देख रहे हैं तो इसमें कितना वजन है, तो वो कहते हैं कि ये जी होगा 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 200 ग्राम का। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इसको 2 मिनट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं यहाँ, या मैं पकड़ के इसको खड़ा हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि सर 2 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बताने लायक सा रहे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसी मोबाइल को जो 100 ग्राम का बता रहे हैं, 200 ग्राम का बता रहे हैं, अगर इसी को हम 2 घंटे पकड़ के रखें तो क्या रहे, क्या होगा, क्या परिणाम रहेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा? तो उन्होंने कहा कि इसमें सर आपका हाथ दुख जाएगा, आप थक जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ये बताइए कि क्या अगर हम इसको 2 घंटे की बजाय 2 दिन पकड़ के खड़े रह सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं इसको 2 घंटे पकड़ के खड़ा हो जाऊं रात और दिन इस सर्दी के मौसम में, तो क्या परिणाम रहेंगे? उनका जवाब था सर इस अवस्था में तो आप थक जाएंगे और आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है। तब मैंने उनसे कहा था कि डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों जो अवस्थाएं 2 मिनट, 2 घंटे और 2 दिन की थी, इन तीनों अवस्थाओं में इस मोबाइल का जो वजन है जो 100 या 200 ग्राम है, क्या इसमें रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ा? तो उन्होंने कहा नहीं, और अगर नहीं पड़ा तो ये मान के चलिए कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इनका जो साइज़ है वो 100 ग्राम 200 ग्राम का है, लेकिन हम इसको सोच कर इसको क्विंटल का बना देते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसका साइज़ 100 ग्राम 200 ग्राम का होता है, लेकिन उसको सोच कर हम क्विंटल का बना देते हैं। हम बीमार हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं। उतना ही सोचें जितने की आपकी प्रॉब्लम की साइज़ है। प्रॉब्लम जो हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका आपको समाधान निकालना होता है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती है। समाधान ढूंढें, प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।